शुरू करते हैं। देन सबसे पहले तो गुड मोदी का मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, हर वो अपन स्टूडेंट्स। ऐसा है कि आप लोग जब देखिए कि आपका आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, तो खटाक से अपना स्पीच बंद कर दीजिएगा, हम किसी को बोलने नहीं जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कल की इतनी बड़ी सफलता जो कल मिली एसकेएम में, और जो आप सारे लोगों ने उसको मिल करके एक हिस्ट्री क्रिएट किया, मैंने यूं समझिए कि आप उस ग्रुप के साथ एंट्री किए हैं इस मीटिंग में, है कल की मीटिंग में, जिस ग्रुप का आधा से ज्यादा लोग हमारे ही ग्रुप के लोग थे, आपके ही साथी लोग थे। एलबी एंटरप्राइजेस का सेकेंड स्थान नहीं फर्स्ट स्थान था, और बाकी आधे से भी कम लोग बाकी लोग के लोग थे। तो ये हम लोग का शुरू से ये हिस्ट्री रहा है, हम लोग बनाते आए हैं। और आज मैं खास करके ऑफिस गया था शाम को ये देखने के लिए कि टिकट आई कि नहीं आई। तो टिकट आई कि नहीं आई, ये तो बात तो सही है कि टिकट तो आ ही जाएगी, लेकिन आज एक अपडेट मुझे मिला, वो अपडेट ये मिला है कि संतोष सर के वैलेट में लोग पैसा डालना शुरू कर दिया है एडवांस में। एडवांस में पैसा डालना शुरू कर दिया है। आप देख लीजिए कि सिर्फ 2200 ही सीट है, और 2200 की सीट के लिए अभी मेरे सामने ही वहां पे फोन आया था संतोष सर को, नीरज जी का, कि सर मेरा 1000 टिकट बुक कर दीजिए, ये मैं 500 का पैसा भेज रहा हूँ, और 500 का पैसा कल 10 बजे भेज दूंगा। तो 2200 में से तो 1000 नीरज मिश्रा ने अपना काउंट कंफर्म कर लिया। अब बच जाते हैं आप लोग, जैसा कि मैंने पहले भी उस दिन भी जो लोग भी हमसे भेंट हुए थे उन सब लोग एक ही बात बोले थे कि आप लोग जो इस मीटिंग में आए हैं, अपने लोगों को अगर चाहते हैं कि डॉक्टर सुरेखा भार्गव की मीटिंग में हम बैठाने में सफल हो जाए, क्योंकि जो लोग भी उस मीटिंग में बैठेंगे वो जरूर जरूर निश्चित रूप से सफल होंगे, आपके कोर लीडर बनेंगे। तो ये चीज जो है आपको देखनी होगी और इसको करनी होगी। तो और जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक जो है सो नहीं होगा। और साथ ही साथ हर मीटिंग में आपको मैं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा, अपना अपने टीम का लीडरशिप लेना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपने टीम का लीडरशिप नहीं लेंगे तब तक जो है सो आप सफल नहीं होंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखे हैं। हम देखे हैं सर, कल की मीटिंग में हमने देखा है बहुत लोग को मार किए हैं कि अपने टीम को छोड़ करके अकेले पहुंच गए हैं। तो ये चीजें जो है, टीम के लोग भी उनके आए हैं, लेकिन अगर वो लीडरशिप में आते तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे, और आपको भी अच्छा लगता कि लोग आपकी बात को जो है सो देखते समझते और आगे बढ़ते। तो ये चीजें जो है आपको देखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था सारे लोगों को, कल भी कहा था परसों भी कहा था, मैं एक इंडिविजुअली फोन करके कहा था, पूछे थे भाई मीटिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उनको एक एक छोटा सा उनके ऊपर जो है सो एक गोल सेट किया, अगर आप इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं अपने टीम से 6 अलग अलग लेग से कम 20 लोगों को इस मीटिंग में 19 तारीख वाले मीटिंग में आप जरूर पहुंचाइए। अगर अपने 6 लेग से 1, 2, 3 आदमी भी ले ले करके आ गए वहां पे, तो 20 या 25 आदमी आपके टीम से आएगा, और जैसे ही वो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जानिए कि आपका 3 से 4 महीने के अंदर में आपका डायमंड शिप जरूर लॉक हो जाएगा, क्योंकि डायमंड शिप करना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में। और जो कंपनी बहुत सारी चीजें दे रही हैं, हमेशा डायमंड्स के लिए कुछ ना कुछ दे रही है, आपने भी कल देखा होगा वहां पे एक स्लाइड दिखाया गया था सबसे लास्ट में, जो लोग उठ के चले गए तो चले गए, जो रह गए थे उन्होंने देखे हैं कि कंपनी जो है सो गोवा ट्रिप दे रही है डायमंड एंड अबव अपने रैंक को, 3 महीना अगर 3 महीना अगर क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ 10,000 रुपया पे करना है, 3 रात और 4 दिन का वो ट्रिप है। कितना शानदार लीडरशिप होगा जब खाली वहां पे डायमंड्स लोग होंगे, कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स रहेंगे, कंपनी के समीर मोदी रहेंगे, उनके साथ आपको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, उनके साथ उनकी बातों को सुनने का मौका मिलेगा,
हमारी सुरेखा मैम होंगी, निशांत भार्गव होंगे, सारे लीडरशिप होंगे जिन्होंने अपने टीम में कमाल कर दिया है। हम लोग एडवाइजरी बोर्ड पर देख रहे हैं लगातार लगातार साउथ का टीम और जो है सो हरियाणा या गुजरात का टीम परफॉर्म कर रहा है। डेली उनके टीम में एक बड़े बड़े पिन जनरेट हो रहे हैं। एक एक व्यक्ति के टीम में एक महीने के अंदर में 9 ठो ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर निकले हैं। सोचिए सोचिए कहाँ जा रही है मोदी केयर। कल भी आपने देखा है कि अभी जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्रीज का वो 13.5% है और आने वाले एक साल के अंदर में यह 34% चला जाएगा। तो हम अपने ग्रोथ को अपने अपने कार्यकाल को नहीं ऐसी करेंगे तो फिर कैसे होगा। ये प्रमोशंस वाले जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मिनट जरा सा हम इनको हैं इनकी रास्ता इनको दिखा देते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब। अब किसी का फोन नहीं आएगा। देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ तो ऐसी का तो लैपटॉप है नहीं, लैपटॉप का तो कैमरा है नहीं कि दिखाई पड़ेगा। मैं अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे लगा दिया हूँ स्टैंड के ऊपर और आप लोग के सामने हूँ, क्योंकि मोबाइल में मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है, कुछ इसमें खराबी हो गई है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखना चाहेंगे कि कितने लोग कल की मीटिंग में नहीं आए थे, कल की मीटिंग में नहीं आए थे, अपना अपना हैंड रेज कीजिए। जो नहीं आए थे वो हैंड रेज कीजिए। ए के सिंह, ईमानदारी से कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए हैंड रेज। जो कल एसकेएम नहीं पहुंच पाए थे किसी भी कारण से, आपसे गुजारिश है कि हैंड रेज कीजिए। ओ ये बात लगता है लोग समझ गए हैं कि उनको उनके ऊपर एक अद्धा रखने जा रहे हैं, इसीलिए जो है वो अपना हाथ नहीं उठा रहे। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं ना कौन आए थे कौन नहीं आए थे। चलिए जो हिमाचल प्रदेश में है उनका तो उनके लिए तो सब चीज क्षमा है। मैं उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके एरिया में, चंडीगढ़ में है या आसपास में कहीं भी अगर पहचान हो रही हो, अगर जो है आजादी महोत्सव हो रही हो, किसी भी तरह का कंपनी का कोई फंक्शन हो रहा हो, उनको सूचना मिलती है वहां पे अपना टिकट लेने का प्रयास करें और जरूर से जरूर वहां पे जाए। थैंक यू कमलेश जी और सिंह साहब, आपका तो कल यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन आप नहीं आए। एनीवे अब आप प्लानिंग करके कल का कल अपने ग्रुप के लिए अपना टिकट जरूर रिजर्व करवाएं। या तो आप डायरेक्ट मेरे वैलेट पे पैसा डाल सकते हैं या कंपनी के वैलेट पे पैसा डाल सकते हैं, यानी संतोष राउत्रे के पास बात करके संतोष राउत्रे के पास पैसा जमा कीजिए। कल शाम तक जितने लोग अपने अपने टीम के लिए पेमेंट जमा कर देंगे उनका उतना लोग का कन्फर्मेशन हो जाएगा, टिकट बुध को मिलेगा। लेकिन कन्फर्मेशन जिनके लोग का हो जाएगा, अब बचा हुआ 1200 टिकट है, 1200 टिकट में से आप कितना कर पाते हैं दैट्स आपका अपना है। मैंने एक ही बात कहा कि जितने लोगों को आप ले जाएंगे उतने लोग उतने जल्दी आप डायमंड बनेंगे। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा अपने आप को इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए झोंक दीजिए। यह जो है 24 घंटा, इस 24 घंटा में दो काम हम लोग को करना है। एक तो फरवरी की क्लोजिंग बढ़िया हो, फरवरी की क्लोजिंग हर हाल में बढ़िया हो, इसके ऊपर भी फोकस करना है। और हमारा 19 जनवरी का हमारे लोगों का रिजर्वेशन हो जाए। अगर प्लेन से जाते हैं तो भी टिकट पहले कराना पड़ता है, अगर ट्रेन से जाते हैं तो भी टिकट पहले कराना पड़ता है। तो 19 तारीख का टिकट ट्रेन का जो खुलने वाली है, यहाँ से जो प्लेन उड़ने वाली है सीधे जाके डायमंड पर रुकने वाली है, उसके लिए अपना अपना रिजर्वेशन जरूर करा ले, अपने लोगों का रिजर्वेशन करवा ले। ये जरूरी है, सबसे जरूरी है। अगर ज्यादा आदमी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अपने 6 लाख से एक एक आदमी को भी
लेकर के 6 वो प्लस 1 आप अपना, एक 7 आदमी, 7 आदमी के लिए आप अपना बात कर लीजिए, हैं। संतोष राउते का नंबर जो है, अगर किसी के पास नहीं होगा हमसे फोन करके ले लीजिएगा, उनसे बात करके अपने ग्रुप के लिए अपना टिकट रिजर्व कराइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है आप लोग के लिए। एक्चुअली ये मीटिंग हमसे मांगे थे नीरज मिश्रा, तो हम बोल दिए कि देखिए आज मीटिंग खाली नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे बात करना था, आप लोगों को ये बात बतानी थी। आज जो वहां घटना हुई है सो घटना मैं बयान कर रहा हूं, आज उनके टीम से भी 4-5 लोग जो है वह पहुंचे थे। ये चीजें जैसे अभी सर एके सिंह सर ने अभी लिखा है, थैंक यू सर, आप बाबा जगन्नाथ के धाम पे जा रहे हैं, तो आप धाम पे जाइए लेकिन अपने टीम के लिए, अपने टीम के अलग अलग लेग के लिए टिकट रिजर्व करा के उनको टिकट प्रोवाइड करवा दीजिए। अगर उस डेट में आप नहीं है तो कोई बात नहीं है, उस डेट में पटना में भी एक मीटिंग कर रहे हैं और उस डेट में रांची में भी मीटिंग हो रही है, जिसको हमारे रवीश सर जो है सो उस मीटिंग को लेंगे। यही पहचान यहाँ भी हो रही है सेम डे में, और रांची में भी हो रहा है झारखंड के लिए, टाटा के लिए। तो जहां भी आपके लोग हैं उनके लिए आप इस डेट में रांची या झारखंड से, रांची से या पटना से बात करके, अगर झारखंड वाले मीटिंग में किसी को अटेंड करवाना है तो पवन उनसे बात कर लीजिए, पवन जी से बात कर लीजिए, और नहीं पंकज सर, पंकज सर से बात कर लीजिए, और यहाँ बात करना है, यहाँ के लिए टिकट रिजर्व करना है तो आप लोग संतोष रावते को पकड़ लीजिए। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हमारे पास कल शाम तक पेमेंट आ जाएगा, तो उतने लोग का हम वहां पे पेमेंट करके टिकट रिजर्व कर देंगे। यही बात है जो हमको कहना आवश्यक था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग इस मीटिंग में, कल की मीटिंग में आए थे, हम समझते हैं उन लोग का विजन जरूर क्लियर हो गया होगा कि हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है। चूंकि हमारे जो जो ईस्टर्न जोन के हैं, इनका मीटिंग कितने मीठे मीठे शब्दों में वो अपनी सारी बात को कह जाते हैं, और हम लोग को जो है सो अपने दिल में उतार लेते हैं। उसी तरह से हमारे संतोष रावते सर हैं। चलिए एके सिंह सर का आ गया सबसे पहले भाई बुकिंग, 5 टिकट, पेमेंट कल सवेरे तक ट्रांसफर कर दीजिएगा सिंह साहब। तो इसी तरह से जो है, जब आप इनिशिएटिव लीजिएगा तो जरूर से जरूर आप सफल होने में कामयाब होइएगा। लेकिन 5 ही टिकट क्यों एके सिंह सर? डायमंड बनने के लिए 6 लेग में 1-1 आदमी चाहिए, ध्यान रखिएगा। 1 लेग से 5 आदमी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, कल बढ़ेगा। ओके थैंक यू। तो और जो लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना अपना गोल क्लियर कीजिए, आज क्लियर कीजिए, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती है तो हम लोग यही कहते हैं कि प्लानिंग पहले कर लिया जाता है ना, तभी जाकर के हमको सफलता मिलती है। बात सही है कि नहीं? अब मैं चाहूंगा कि इस ये जो विजन जो आज हम आप लोग को दिए हैं, जो हमको मिला ऑफिस से आप लोग को दिए हैं, उसके ऊपर आप लोग अगर कोई व्यक्ति बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने मैं को होस्ट में बना दिया है रमेश जी को, अंजन जी को, केपी सर को, और एके सिंह सर को भी मैं बना दे रहा हूँ को होस्ट। तो अपने से जो है आप अपनी माइक को खोल करके और अपना बात रख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई व्यक्ति चाहते हैं कि इस मीटिंग के बारे में, 19 मार्च की मीटिंग के बारे में कुछ बोलना चाहें, कि अपने कितने टीम के मेंबर को लेकर के आ सकते हैं, वो भी अपना हैंड रेज करके जो है हमसे बात करके अपना बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे
नाम लिख दे रहा हूं और ये मैंने लिख दिया, एके सिंह का पहला नाम, 5 टिकट। बोलिए विजय मिश्रा सर, विजय मिश्रा सर बोलिए, म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विजय सर, चलिए जब तक वो, हेलो, हाँ हेलो सर, जब तक विजय जी आ रहे हैं तब तक हम अपने लोगों को, सारे लोगों को सब पहले तो नमस्कार, और जो लोग बिहार जी सर, गुड मॉर्निंग सर, जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाँ हेलो, सुनाई पड़ रही है आपकी, हेलो हेलो, आवाज सुनाई पड़ रही है आपकी, जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। नहीं सर, हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, आवाज सर नहीं मिल रहा है सर, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, कल की टिकट के लिए, जी सर, वेरी गुड, अरे वेरी गुड मॉर्निंग के बाद आगे बोलिए ना सर। सर वो लगता है नेटवर्क, नेटवर्क नेटवर्क से छूट गया, चलिए चलिए केपी सर, आप ही बताइए, चलिए सर, सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, जो भी मेरी टीम या जिस टीम के हैं, मीटिंग में आना बहुत जरूरी है, और हमारे गुप्ता सर, रमेश सर, सारे लीडर्स ये कह रहे हैं कि आप आइए मीटिंग में, अपने लोगों को लाइए, उसका पर्पस सीधा सा एक लाइन है कि जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार परेशान हो रहे हैं, अगर वही बात एक सफल आदमी कहता है, एक नहीं सैकड़ों आदमी कहता है, और वहां का माहौल आपको प्रभावित करेगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए हम सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने कल आज रात में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांटेक्ट करके, अपने सारे लोगों को रिक्वेस्ट कर करके, समझा के, आपको किसी तरह का मदद का जरूरत है तो, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि सुबह तक मेरा फोन आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है, तो आप अपने लोगों से मेरी बात करा के, यदि किसी कारण आप नहीं आ पा रहे हैं तो अपने लोगों को जरूर प्रमोट करिए, लेकिन पक्का है कि यदि आप नहीं आएंगे तो आपके लोग भी आना आने में आनाकानी करेंगे, वो नहीं आएंगे, सिर्फ बीमारी आपका बीमारी का कारण है, तो आप ना आइए, अन्यथा जो कोई दूसरा कारण भी है तो उस कारण को आगे बढ़ा दीजिए उसका डेट, लेकिन आप मीटिंग में जरूर आइए, अपने लोगों के साथ जितना ज्यादा आएंगे, सर जैसा बोल रहे थे कि अपने दो लेग में ले आते हैं, अगर हर लेग से एक एक आदमी भी आता है तो आपकी टीम को जिंदा होने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए और डायमंड बनने में काफी आसानी हो जाएगा, मतलब ये व्यापार ही है आदमी का, और आदमी का जब विजन क्लियर नहीं होगा, सोच नहीं क्लियर होगा, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो एकदम सही सर, एकदम सही सर, एकदम सही सर। देखिए अभी अभी दो तीन अपडेट्स आ गया है अभी मेरे पास, विजय सर जिनकी आवाज नहीं आ पा रही थी, उन्होंने लिखा है 10 टिकट, और रमेश जी बिना कुछ बोले हुए पहले ही लिख दिए है 30 टिकट। लेकिन रमेश सर, मैं आपसे 30 की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, चूंकि आपके 20 आदमी यहाँ आए थे स्कैम में, तो उसमें सुनना लगना चाहिए सर, रमेश सर उसमें सुनना लगना चाहिए सर। जी सर, हेलो, अभी जो विजय जी रुक जाइए, आपको बोलेंगे तब बोलिएगा, अभी जो आशुतोष सर जो बोले हैं ना 5 टिकट, हाँ, के अलावे हम 30 बोले हैं सर, नहीं वो तो हम जान रहे हैं, उनका तो लिखा गया अलग, सही बात है, मैंने जी, तो अभी मेरे यहाँ जो जी जी, तो सर ये बार बार सारे लोगों से टिकट का चर्चा, जो लोग अभी पहली बार सुन रहे हैं कि 19 तारीख को सुरेखा भार्गव जी का मीटिंग है, तो जो लोग सुरेखा जी को जानते हैं अच्छा बात है, जो लोग नहीं भी जानते हैं वो जान
की टॉप लीडर में उनकी गिनती होती है, लगभग उनका पेमेंट है। तो आप अपने लोगों को जब भेजेंगे और ये बात उनको सूचना ट्रांसफर करेंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये व्यापार ही है आदमी का, तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग तक पहुंचाने में आप अपने अपलाइन का, मेरा, सर का, किसी का भी सपोर्ट चाहिए तो आप लीजिए, लेकिन किस हाल में अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए इसे लेकर के सवेरे तक फैसला करके। सर बोल रहे थे कि अकाउंट ट्रांसफर करिए, यदि आपको अकाउंट ट्रांसफर करने में दिक्कत है आप हमसे बात करिए और हम आपका सपोर्ट करेंगे और हम लोग अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मीटिंग में पहुंचाने का प्रयास करें। और इन्हीं बातों के साथ सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाहर के लोग हैं, बिहार, अगर दूसरे राज्यों के लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश है या वगैरह कहीं के, तो वो अपने राज्य के बारे में सूचना मांगे, हम पता को सूचना देंगे, तो उनको भी अपने आसपास मीटिंग में जाना चाहिए, अपने लोगों को ले जाना चाहिए, इससे काफी फायदा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ विजय जी बोलिए, अब विजय जी नेटवर्क में आके बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ सर, नेटवर्क में हम आ गए हैं जी। ये कल की जो मीटिंग हुई थी सर, हाँ, कल के प्रोग्राम में मेरे दो टीम से ही लोग, दो गाड़ी आए थे और 19 वाली प्रोग्राम में 6 टीम से 6 गाड़ी आएंगे, इसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो 6 टीम से 6 आदमी, 6 टीम से आएंगे लोग, लेकिन 6 गाड़ी आएंगे, मतलब लगभग मोटा मोटी 40 से 50 लोग आएंगे। लेकिन आप तो 10 टिकट हमको रिजर्व करवा रहे हैं सर। 10 टिकट आप तो कल की बात बोले हैं, जो कल कितना करवा लेना है। हाँ तो कम से कम 10 कल करवा लेते हैं। हाँ। और रेस्ट जो मेरा टिकट है, हाँ, वो आपको 2 दिन का और मोहला देना पड़ेगा, 1 और 2 तारीख, क्योंकि कल क्लोजिंग का भी अंतिम दिन है, कुछ उसको हाँ, भी देखना है। का भी अंतिम दिन है, बात सही है। हाँ, तो कल उसको भी देखना है और थोड़ा हाँ, सा समय निकाल के 1 और 2 तारीख को रेस्ट अमाउंट भी हम आपको देंगे। एस्टिमेटेड कितने लोग रहेंगे आपके, कितने लोग एस्टिमेटेड आपके, आपके हिसाब से? लगभग 40 10 प्लस 30 जी, 10 प्लस 30 10 प्लस 30 40 40 ठीक है, 40 आप 10 कल कर, 10 कल कर कंफर्म करा लेंगे। ठीक। और झासर का जिस तरह प्रयास रहा है इस पिछले मीटिंग में, हाँ, झासर का मेरा मेरे और प्रयास है और इस प्रयास का रिजल्ट होगा कि हम 40 प्लस लोग आएंगे ये 19 वाली प्रोग्राम। नहीं, ये 40 का जिम्मा आप ही को लेना होगा, झासर को छोड़ दीजिए अब। ना, थोड़ा सा उनका चाहिए सर, साथ रहता है तो आप ही। ये 40 आदमी का टोटल जिम्मा आपको लेना है, कैसे उनको लेके आइएगा, कैसे टिकट बुक होगा, कौन आदमी, आप अपने टीम के लोगों को भार दीजिए कि भाई हैं, तुम अपने टीम से इतने लोग को लेकर के आओ, यहाँ पैसा जमा करो। ठीक है सर, हम अकाउंट नंबर आपको दे देंगे, एक नया अकाउंट नंबर हम दे देंगे आपको, आपको उसी में डालना होगा। ठीक है सर, ठीक है ना जी सर। हाँ, जब तक आप अपने से अपने टीम के पर कमांड नहीं कीजिएगा सर, तो आप डायमंड कैसे बनिएगा। नहीं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, इसको एकदम अथी कीजिए सर। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक सर। चलिए अब झा सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले के बाद जिंदगी बदलने के लिए हम सबको स्वप्न दर्शी की ऑफलाइन के ऐसे से मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग की जिंदगी में मोदी जी के नाम से आप आए और हमारी जिंदगी बदल रही। दोस्तों, वास्तविक में केपी सिंह साहब कह रहे थे, कोई गलत चीज नहीं कह रहे थे, लेकिन किसी भी काम में मेरा जहां तक मानना है, किसी भी काम में जब लगन लग जाती है ना, तो वो काम बहुत अच्छी तरह होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग सपनों और संभावनाओं के मार्केटिंग है, नो डाउट, जिंदगी बदलने का है, मिलजुल के करने का है, लेकिन मेन ये थी कि हम करोड़ों रुपए की गाड़ी ले लेंगे, लेकिन क्यों उसमें नहीं जा रहे हैं, तो वो गाड़ी मेरे काम का नहीं रहे।
आपको हम जाते हैं लेकिन डर के बैठे डायमंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुयोग से डायमंड बनना, हमारे नीचे कितने डायमंड की पैदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जिंदगी डायरेक्ट मार्केटिंग से बनी है, हम डायरेक्ट मार्केटिंग पर पूर्णतः विश्वास करते हैं और साबित भी किया है, और मेरा यह सिद्धांत है कि हम कोई चीज छूटे नहीं, छूटे छोड़ते भी नहीं। डायमंड बनने के लिस्ट में रमेश जी के बाद आपका नाम प्रायोरिटी पे है हम लोग के। बिल्कुल 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 तो हम लोग को साथ दीजिए, हम आपका साथ दे ही रहे हैं, आगे भी देंगे, लेकिन जल्द से जल्द डायमंड लॉक करना है आपको भी रमेश जी के। जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं सर, नहीं जिंदगी में नहीं छोड़ना, जिंदगी जिंदगी को भूल जाना है, अभी जो है सो जितना जल्दी हो सके उसको डायमंड बनना है। हमें डायमंड ही नहीं बनना है, मुझे लॉक पहले डायमंड उसके बाद आगे। हम आपकी तरह हम सभी लोग डायमंड ही नहीं करोड़पति के लाइन में, वो सब सही है सर, लेकिन देखिए आपको अगली मीटिंग जब आप लीजिएगा हमारे रंजन सर का, तो आपको दिखाएंगे कि फोकस कहाँ करने से रिजल्ट आता है और क्या रिजल्ट आता है, वो आपको दिखा देंगे। नहीं आप तो शायद देखे होंगे क्योंकि आप पटना के जो है सो ऑफिस के पास वाले होटल में थे, एवीआर होटल में थे ना आप सर, तो वो चीज मिस कर गए थे कि देखे थे। माइंड और जो है माइंड और दिल के फोकस को एक एक करने से क्या रिजल्ट होता है, तो देखे थे ना सर। तो जो मन चाहता है अगर दिल से उसी को चाहने लगिए मैं, तब जाकर के उसका रिजल्ट होता है ना सर। उसी का परिणाम है कि आप जो चाहे सो कर सकते हैं, तो हमेशा एक चीज पे हमको फोकस करना है, और आप लोग सबको को बता रहे हैं किसी एक चीज पर जब फोकस कीजिएगा तब जाकर के आप जरूर सफल हो जाइएगा। और ये चीज हम लोगों ने ये चीज हम लोग एलबीएन के अपने अपने रैंक के लिए अपने इनकम के लिए हम लोग ये करके देखे हैं, फिर आप लोग से ही बात कर रहे हैं। फोकस करना पड़ेगा हमको, कहाँ करना है, क्या करना है, इस महीना में क्या करना है, अगला महीना में क्या करना है और कब हमको पहुंचना है, ये फोकस जो है आप चार्ट बना करके अपना रख लीजिए और उस हर महीने उसी को फोकस कीजिए, देखिए उस महीना में वो चीज रिजल्ट में आपको आएगा, कन्वर्ट होगा और आप बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। जी 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 हाँ। तो सर आप आपके विजय मिश्रा जी ने टोटल 40 आदमी का जिम्मा लिया है, अब इस इस टीम को छोड़ करके आप अपना जो है सो रिक्वायरमेंट बता दीजिए सर। नहीं, हाँ, अभी तो मैं उनको छोड़ के सर मैं 25 टिकट को हम अभी करेंगे, एक या दो तारीख को। कल कितना हो जाएगा सर, कल 25 टिकट मैं इधर के लिए है और जैसे जैसे टोटल तो उन्होंने 40 कहा है, लेकिन कल के लिए कंफर्म किया विजय जी 10। एके सिंह जो है सो लिखे है कि 10 जाएगा लेकिन 5 हम कल कंफर्म कर रहे हैं, उसी तरह से आप बताइए कि कल कितना कंफर्म कर रहे हैं। सर कल हम नहीं कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा कल नहीं कंफर्म कर रहे हैं, पेमेंट हम नहीं कल भेज सकते हैं। अच्छा पेमेंट हम नहीं भेज सकते हैं, ये है तो पेमेंट ही वहां जमा करना है, मुझमानी तो जमा होगा नहीं। कल 28 तारीख है, कल क्लोजिंग भी करना है और पेमेंट भी कलेक्ट करना है, दोनों काम करने हैं। कल 2 PM तक आप हमको फोन करके बता दीजिए, क्योंकि हम ऑफिस बोल के आए हैं कि हम शाम को आएंगे 4 बजे। कल शाम को हम 4 बजे ऑफिस जाएंगे, हम संतोष सर को फोन करके बोल दिए हैं कि सर कल शाम को 4 बजे रेस्ट ऑफ द टीम के लिए हम क्या और बुक कर सकते हैं, जो हमारे छोटे छोटे टीम हैं, बाकी तो शिवेंद्र सर अपना समझेगा और जैसे नीरज मिश्रा अपना करिए लिया है बातचीत, और शिवेंद्र शर्मा जितना मांगेगा उतना संतोष रावत उसको दे देते हैं, 100% दे देते हैं। चलिए ठीक है, ओके
अब हमारे बीच हमारे हमारे तरैया के नरेश लोग बच गए, तरैया वाले, तरैया वाले मुकेश जी, जितेंद्र जी। और सर मेरा रहेगा, जितेंद्र का क्या रहेगा, समूल सर मुझे नहीं पता। नहीं तो इस बार इंडिविजुअल इस बार इंडिविजुअल टारगेट लेना होगा सर। जी जी मैं आपको डायमंड खुद का बता मुकेश सर, बिल्कुल सर, अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप कितना टिकट। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सही सर, बड़े लोगों के संगत करने से इंसान बड़ा बनता है। देखिए आपको सोचते सोचते हमारे बबलू जी अमनौर वाले मैं हमको यहाँ पे भेज दिए लिख कर 5 टिकट हमारा, 10 मेरा कंफर्म, 10 कंफर्म। कल कितने बजे तक? यस सर, कल कितने बजे तक? कल शाम 4 4 के पहले सर, 4 के पहले आप लिख दीजिए, आपका आवाज कट गया, आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में, लिख दीजिए आप। मुकेश जी चैट बॉक्स में लिख दिए। ओके सर, चूंकि आवाज आपका कट गया है। हाँ साकेत जी, हमारे निहाल है मैं, और हमारे मोतिहारी में 2 भाई मिलके काम कर रहे हैं, उसी तरह से ये बाप बेटा मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक साकेत जी को खींच के लाए उनके पिताजी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, मेरे 5 टिकट रहेंगे सर, पापा जो लिखा है उसके अलावा। जी सर, उनको छोड़ के मेरा 5 टिकट। ठीक है, उनको छोड़ के आपका 5 टिकट। जी चलिए, इस 5 टिकट का पेमेंट कै तारीख तक मिल जाएगा सर? 2 तारीख। 2 तारीख जी। अच्छा देखिए, 2 तारीख तक कोशिश कीजिएगा, 1 तारीख तक। ठीक है, तो गारंटी नहीं। जी सर, हाँ ठीक है। और मनोरंजन जी, मनोरंजन जी। यस सर, बोलिए, आपके कितने आदमी रहेंगे आपके टीम के? आपके टीम के, रमेश जी के टीम के नहीं, आपके टीम के? 5 सर, 5 टिकट। ठीक है जी, 5 टिकट जी। ये 5 टिकट कितने लेग से रहेगा? 5 आदमी किस किस लेग से रहेगा सर? इसमें 2 लेग से हैं। 2 लेग से जी जी। नहीं तो सर हम ये कहेंगे कि आप 6 लेग नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम 3 लेग क्वालिफाई कीजिए, 3 लेग को जो है सो लेकर के आइए, 3 लेग में से आदमी लेके आइए, 2-2 ठो। बिल्कुल सर, करना है एकदम, इस महीने करना है सर। सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, 2-2 आदमी 3 लेग से लेगा तो 6 आदमी हो जाएगा, 1 आप हो जाएंगे तो 6-1 7 हो जाएगा सर। 4-1 5 ही हो रहा है, 4-1 5 हो रहा है, तो बढ़ाइए। बिल्कुल इस महीने बढ़ जाएगा। चूंकि देखिए मोदी के अंदर पहला टारगेट क्या होता है कि हमारा कार कंफर्म हो, और कार कंफर्म होने के लिए 3 लेग कंफर्म होना चाहिए ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो इसी पे फोकस कर रहे हैं कि अगर 3 लेग के लोगों को आप बैठा दीजिएगा मीटिंग में, तो 3 लेग आपका चलने लगेगा सर। हम देखे सर, बिल्कुल, हम लोग इस रिजल्ट को देखे हैं सर, हम रंजन सर सुरेखा मैम की मीटिंग के लिए 10-10 हजार रुपए टिकट लेकर के जाते थे, जयपुर गए हैं, फिर भाड़ा अलग से लगा हम लोग को, सब कुछ हुआ। मैं उनका मीटिंग दिल्ली में 2-3 बार हम लोग अटेंड किए जाकर के, यहाँ से हम रंजन सर,
हमारे अनूप जी, राजेश जी, सब हम लोग जाते थे, तभी ना हम लोग आज यहाँ इस मुकाम पे पहुंचे हैं सर। क्योंकि सीखना जरूरी है, जब कमाना है तो सीखना जरूरी है, और जब सीखेंगे जी तभी टिकेंगे। जी सर जी, तो ये चीजें हैं, तो इस पर जो है आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कल 4 बजे तक कुछ बढ़ाना होगा तो बढ़ा लीजिएगा हमको। जी सर, चलिए एनीवे अब तो कितना, और कोई आदमी जो अपने लिए इस इवेंट में अपना टिकट बुक कराना चाहते हैं? जितेंद्र जी चले गए क्या, निकल गए क्या? लगता है जितेंद्र जी निकल गए, क्योंकि सोचे कि अब मेरे ऊपर भी अधा रखाएगा। मुकेश जी, मुकेश जी, जितेंद्र जी चले गए, कहाँ जितेंद्र जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या तो उसका नेटवर्क गड़बड़ है। उनको बोल दीजिएगा कि उनको जितना टिकट चाहिए उसके बारे में हमसे फोन करके बात कर लें, ठीक है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब जो है इन्हीं शब्दों के साथ